वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती भाई जैनब। आज मैं आपके साथ फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलन जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने 5 अदद लेग पीस लिए हैं और इनको बॉईल करेंगे पहले। अच्छा, इनको बॉईल जो है वो पानी में नहीं करना, दूध में आपने इसको बॉईल करना है। इससे जो होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी। इसको बॉईल करने के लिए सबसे पहले आपने जो है 1 कप दूध लेना है, और दूध ऐड करने के बाद आपने इसमें 3 अदद लहसुन के जवे ऐड करने हैं। साथ ही साथ इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसको आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। अच्छा, आप अगर इस रेसिपी से बनाएंगे ना फ्राइड चिकन, तो एक तो ये बहुत हटके भी रेसिपी है, दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें। लाइक करने के लिए कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, बस आपने अपने अंगूठे को जो है ज़हमत देनी है और लाइक के बटन को आपने दबाना है। 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है, और फिर 5 मिनट बाद ये देखें इस तरह से बॉयल हो चुके हैं, और ये जो पानी है इसका ये आपने वेस्ट कर देना है। और फिर आपने इसको मसाला लगाना है। मसालों में इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर है अवेलेबल तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हम थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं और ये चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी हों तो मज़े की लगती हैं, इसलिए इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और लास्ट में इसमें नमक आपने हसबे जायका ऐड करना है। नमक इसमें जो है आपने थोड़ा हथौला रख के ऐड करना है, क्योंकि नमक पहले जब बॉयल किया तब भी ऐड किया, चिकन पाउडर में भी नमक होता है और इसने भी अभी दोबारा नमक ऐड किया, तो इसलिए जो नमक है वो आपने कम ऐड करना है। और लास्ट में इसमें फिर सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने का। 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। और अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया, तकरीबन 2 कप मैदा लिया। इसमें आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक, और फिर आपने इसको मिक्स करने के बाद सारे लेग पीस को आपने कोट कर देना है अच्छी तरह से। इंस्टा और टिकटॉक पर भी मेरा पेज है जायका मस्ती बाय जैनब के नाम से, जल्दी से जाकर उसको भी फॉलो करें जिसने अभी तक नहीं फॉलो किया, और वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अभी सारे लेग पीस को देखे मैंने कोट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बहुत ठंडा यख पानी लिया है, और अब आपने एक एक लेग पीस को इसमें गोता लगवाना है, ठीक है, और गोता आपने तकरीबन इसको 5 सेकेंड का लगवाना है। फिर 5 सेकेंड के बाद आपने दोबारा से जो है मैदे की कोटिंग करनी है अच्छी तरह से, मैदा आपने इसके ऊपर लगाना है, फिर ही जो है ना आपके मज़े के क्रिस्पी से क्रम्स बनेंगे। इसी तरह से आपने ठंडे पानी में सारे लेग पीस की जो है ना नुकियाँ लगवानी है, और फिर आपने मैदे की कोटिंग करनी। ऑयल को मैंने यहाँ पे पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें आपने 1 बाय 1 करके सारे लेग पीस डाल देने हैं, और इनको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसकी साइड को चेंज करेंगे, और फिर आपने इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। इस टाइम पे इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं, और यकीन करें ये इतनी आसान सी रेसिपी है ना, लाजमी आप इस रेसिपी से ट्राई करें, और 15 से 20 मिनट में आपकी जो ये रेसिपी है ना तैयार हो जाती है। सुबह लंच में भी आप इसको बना के दे सकते हैं, सब कुछ आप मैरिनेट करके रात को रख सकते हैं, और सुबह बस आपने इसको फ्राई करके बच्चों को देना है। बहुत ही आसान सा ये आइडिया लंच बॉक्स के लिए। दूसरा, ये शाम के टाइम भी अगर बच्चों को भूख लगती है, जैसे हल्की फुल्की खुद को भी जैसे लगे, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। लें जी, फ्राइड चिकन हो गया तैयार, और ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं फ्राइज बना रही थी, और आज मेरा रोज़ा भी था, तो अब मैं आपको ये चख के नहीं बता सकती कि ये कैसा बना है। तो अली को जब मैंने सर्व किया था, तो फिर मैंने फटाफट से वीडियो बनाई, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट और इतना जूसी बना है। आप जल्दी से जाके मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।